ये हमारे चैप्टर वन का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और अगर नहीं देखा तो जाकर जल्दी से उसे देखिए, ताकि वो समझने के बाद ही हमारे आगे की स्टोरी रिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का हमारा टॉपिक। हमारा आगे का टॉपिक है फर्स्ट, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाया करते थे उस समय पे भी, और क्यों जाते थे ये रीज़न भी मैंने बताया आपको फर्स्ट वीडियो में। और इस टाइम पे हम लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आप सभी को पता है। नॉर्मली ट्रैवलिंग के लिए, यानी कुछ देखने, कहीं घूमने, किसी से मिलने, इन सब चीज़ों के लिए। उस समय तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उस समय पे एक जगह से दूसरी जगह जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ करते थे, खास करके जैसे हिली एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि उसमें बहुत खतरा हुआ करता था। क्योंकि अभी के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी नॉर्मली हम किसी भी व्हीकल से, यानी कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब चीज़ों से जा सकते हैं। लेकिन उस समय पर ये सब नहीं था, तो नॉर्मली लोग अपने फुट से, यानी पैरों से पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इस चीज़ से हमें एक फ़ायदा और हुआ था, इससे हमारी संस्कृति यानी कल्चर और ट्रेडिशन में भी हमारा काफ़ी कुछ चेंज आया। क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम अपने नॉलेज शेयर करते हैं या अपनी चीज़ें बताते हैं, वैसे उस समय पर भी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो अपने स्किल्स एक दूसरे को बताते थे, अपने म्यूजिक बताते थे, अपने कुकिंग जो लोग उस समय पर खाते थे, मतलब कैसे बनाते थे, ये सब चीज़ें उस समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे अपने साथ साथ। अब हम देखेंगे नेम ऑफ द लैंड, मतलब हमारा जो जगह है, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, उसका नाम कैसे पड़ा। आपको पता है हमारी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। और इसका मतलब होता है, इंडिया का मतलब होता है इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। 2500 साल पहले हिंदूज और इंडोस, ये दो वर्ड आए हमारे अस्तित्व में, जिसे जुड़ के ही हमारा नाम बना इंडिया। नॉर्मली उस समय पे क्या है, ईस्ट रिवर के पास जो लोग रहा करते थे, उन्हें एक ग्रुप रहा करता था, वहाँ उस ग्रुप को भारत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से ही हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, और जिसका मेंशन हमारे ऋग्वेद में भी हमें मिला है लगभग 3500 ईयर्स अगो। अब हम पता करेंगे कि हम, जैसे टॉपिक आपको दिख रहा होगा फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो बताया था कि आजकल कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, हम पता कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ इस बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जो पुरानी चीज़ें हमें मिली है उससे। सबसे पहले तो हमारा है मनुस्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, और ये वर्ड मनु लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मनु का मतलब होता है हैंड, यानी हाथ। ये हाथ से लिखा होता था उस समय पे, किस चीज़ पे, बार्क ट्री के ब्रांचेस पे, और एक अलग तरीके का ताड़ के पत्ते, उस पर लिखा जाया करता था उस समय पे। काफ़ी सालों तक पत्तों पे लिखे होने की वजह से क्या है, कुछ तो इंसेक्ट्स खा गए, कुछ अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हमारी बची हुई है जो कि बहुत संभाल के टेंपल्स में या मनिस्ट्री, टेंपल्स यानी मंदिर में, और मनिस्ट्री मतलब मस्जिदों में संभाल के रखी गई है। इन बुक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है, रिलीजियस बिलीफ यानी कि हमारे धार्मिक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे पूजा पाठ कैसे किया जाए, राजाओं के बारे में चीज़ें लिखी हुई मिली हमें, मेडिसिन के बारे में पता चला, साइंस के बारे में यानी विज्ञान के बारे में, उस समय के एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला। और वैसे नॉर्मली ये चीज़ें प्राकृतिक लैंग्वेज यानी कि जो उस समय पर लोग बोलने के लिए यूज़ किया करते थे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस में लिखी गई या फिर तमिल में। और उस समय पे एक और चीज़ आई, स्क्रिप्चर्स में क्या हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे अपने बारे में लिखवाते थे कि वो कौन से वॉर में लड़े, किस में जीते, मतलब अपनी प्रशंसा के ऊपर उस समय पे लोग रिकॉर्ड वो लोग लिखवाया करते थे, ताकि आगे चल के जो उनकी पीढ़ी है उनके बारे में जान सके। और जो हमारी हिस्ट्री के बारे में पता करते कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, जो चीज़ें हमारे पास कलेक्ट करके हमें मिलती है। अब हम तो इतना खोज भी नहीं कर सकते ना, लेकिन हम बुक्स पढ़ सकते हैं, कहीं से नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का पता कौन करता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो हमारी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी उस टाइम में पता किया कि जो हमारी बिल्डिंग्स, यानी उस समय पर जो घर बना करते थे, उस समय पर भी घर स्टोन ब्रिक से बना करते थे, उस पर पेंटिंग्स बनी होती थी, यानी जैसे आजकल जो लोग वॉल पे पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे, ड्राइंग्स वगैरह बनवा रहे, उस समय पर भी हुआ करती थी। उनको भी वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिली अर्थ के अंदर से, यानी कि जमीन के अंदर से बहुत सी, जैसे टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, पैंस मिले, ऑर्नेट यानी गहने मिले, कॉइन्स मिले अलग अलग तरीके के। और उनके पास, उन्हें जो जो चीज़ें भी मिली, वो सभी या तो बोन से बनी हुई थी या फिर बेक क्ले से और मेटल से। और ये इतनी हार्ड चीज़ों के बने होने की वजह से काफ़ी समय तक टिक पाए। जैसे आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स दिख रही होगी, हमारा
पॉट है, ये उस समय के हमारे कॉइन्स है, दो सिल्वर कॉइन्स, जैसे आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द पॉट फ्रॉम ऑल सिटी, मतलब पुराने शहरों से जो मिली हमें लगभग 4700 ईयर्स अगो। और ये हमारा सिल्वर कॉइन्स है जो कि हमें 2500 ईयर्स अगो प्राप्त हुए थे इसमें जमीन से। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता करते थे कि ये चीज़ें पुरानी है या नहीं? जैसे मान लो उस समय पे उन्हें ये पता करना कि उस समय पे क्या चीज़ें उगाई जाती थी या किस तरह के जानवर उस समय पे हुआ करते थे, वो बोन्स से पता करते थे, बोन्स यानी हड्डियों से, जहाँ पे उन्हें एनिमल्स के बोन्स मिलते थे, बर्ड्स के मिलते थे, फिश के मिलते थे, जो कि हो सकता है मर के वहीं पे रह गए हो, दब गए हो उसके नीचे, क्योंकि बोन्स तो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है या मिट्टी में इतनी जल्दी नहीं मिलती, तो इसलिए वो काफ़ी समय बाद भी हमें मिल गई और हमें इससे पता चला। अब उससे हम देखेंगे कि हमें प्लांट्स कैसे पता चला, उसकी सीड्स कैसे मिली। तो उस समय हो सकता है जैसे आजकल होता है खेती करते हैं उसके बाद जो नीचे की बनी हुई चीज़ें होती है उसे जला देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत दाना उसका जमीन पे गिर जाता है, तो उन सब चीज़ों से हो सकता है उस समय पे जलाया गया हो, उसकी सीड्स ग्रेन्स हमें उस समय से मिली जिससे हमें पता चला कि हाँ उस टाइम पे भी इन सब चीज़ों की खेती हुआ करती थी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मोर, यानी हमारा जो इतिहास है वो एक है ये बहुत सारे। वैसे देखा जाए तो सबका पास्ट अलग होता है, जैसे एक राजा कैसा रहता था और क्राफ्ट पर्सन कैसे रहता था या फिर मर्चेंट कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के हर किसी का पास्ट अलग होता है, क्योंकि राजा तो भाई अपने बिल्कुल राजशाही तरीके से रहता होगा एकदम शानो शौकत में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे फार्मर्स ने क्या किया उस समय, फार्मर कैसे रहा करते थे, हेडर्स कैसे रहते थे, किंग्स और क्वींस कैसे रहा करते थे, क्राफ्ट पर्सन कैसे रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसमें एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे अभी हमें देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार पे जो आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं, बाय फिशिंग करके, यानी कि मछली वगैरह वहाँ की पकड़ के या फिर हंटिंग करके और फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें लेके उन सब चीज़ों से अपना पूरा दिन काटते या फिर पूरा जीवन कहा जाए तो उसी चीज़ पर डिपेंड रहता है उनका। अब उस समय पे जनरली क्या होता था, जो राजा हुआ करते थे वो अपने बैटल्स के बारे में या फिर अपने रहन सहन के बारे में वो सब रिकॉर्ड तो लिखवा देते थे, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता चला कि जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे, ऑर्डिनरी पीपल्स यानी नॉर्मली जो मछुआरे वगैरह हुए या फिर फार्मर्स मतलब किसान वगैरह हुए, उनके बारे में रिकॉर्ड कौन लिखता होगा। तो उनके रिकॉर्ड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चला कि उस समय पे वो क्या करते होंगे, लेकिन अब मछुआरे से सुनने में लगी रहा हो कि हाँ मछली पकड़ता होगा, फार्मर से सुनने में पता चल रहा हो कि हाँ वो फार्मिंग यानी खेती करता होगा, इन सब चीज़ों में थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ वो लोग उस समय पे ऐसा क्या करते होंगे। अब क्या है, व्हाट डू डेट मींस, यानी तारीख का क्या मतलब है। अगर मैं अभी तुमसे पूछूंगी कि आज डेट क्या है तो तुम नॉर्मली बता दोगी कि आज ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर चल रहा है, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हम ये ईयर काउंट करते हैं या फिर जो ये डेज काउंट करते हैं ये कब से चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ। अब डेज का तो हमें पता है कि हाँ वन से स्टार्ट होता है 30 तक या 31 तक नॉर्मली रहता है, और फैब में तो खैर कमी होता है, और मंथ का भी हम बता सकते हैं कि जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर पे खत्म होता है, लेकिन ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ईयर हमें पता चलता है बर्थ ऑफ जीजस, यानी जीजस के बर्थ के टाइम से हम लोग अपना ईयर काउंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बीसी, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जीजस के जन्म से पहले, यानी 2000 साल पहले। जीजस के जहाँ पे भी आपको जहाँ पे भी लिखा हो, मान लो कोई डेट लिखी हो वहाँ पे बीसी लिखा हो, यानी कि जीजस के बर्थ से पहले की बात चल रही है वहाँ पे। और उसके बाद जहाँ पे लिखा हो एडी, एडी यानी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जो उस समय का यानी जीजस के बर्थ के बाद और अभी का प्रेजेंट टाइम जो भी चल रहा है इस समय का टाइम एडी से काउंट होता है। अब थर्ड है हमारा बीसी, बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, और एक है हमारा बीपी, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट, यानी जो हमारा प्रेजेंट है उससे पहले का। इस चैप्टर में इतना ही, अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।